तो लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में प्रचार अभियान तेज है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी सारी लक्ष्मण रेखा पार कर रही है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का बयान जहां लगातार सुर्खियों में है, वहीं अब भाजपा ने अपने वीडियो में कांग्रेस नेताओं की तुलना कुत्तों से कर दी है। जी हां, आखिर सियासी दलों के बयान और प्रचार वीडियो क्यों तोड़ रहे हैं राजनीतिक मर्यादा? देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सियासत अब तक लाठी पॉलिटिक्स डिफॉल्टर जैसे शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही थी, अब छत्तीसगढ़ की सियासत में कुत्ते की भी एंट्री हो गई है। भाजपा ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस नेताओं की तुलना कुत्ते से की है। इस वीडियो को लेकर जमकर बवाल मचा है। कांग्रेस और भाजपा सियासी बयानबाजी में शब्दों की मर्यादा तोड़ने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वन मंत्री केदार कश्यप कहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति तो कुत्ते से भी बदतर हो गई है। कांग्रेस की मानसिकता ISIS और पाकिस्तान की तरह हो गई है, इसलिए कांग्रेस के नेता विवादित बयान दे रहे हैं। वहीं भाजपा की विवादित वीडियो पर कांग्रेस ने भी तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहते हैं, भाजपा ने जिस मुहावरे का वीडियो में प्रयोग किया वही उसका चरित्र है। कांग्रेस की स्थिति तो कुत्ते से भी बदतर हो चुकी है, और जो स्थिति कांग्रेस पार्टी के उनके नेताओं ने लेकर के आई है वो पूरे देश भर के लोगों को मालूम है, और आज उसी के कारण कांग्रेस के नेता उलझुल बयान जारी कर रहे हैं। राजनेताओं को शब्दों की मर्यादा पूरी तरह से पालन करना चाहिए, और देश के सबसे लोकप्रिय नेता जो 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ऐसे नेता के लिए किन शब्दों का किस भाषा में बात करना चाहिए, ये शब्दों की मर्यादा होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, उनके संस्कार हैं। एक तरफ तो दुहाई दे रहे हैं कि हमारे नेताओं के बारे में कांग्रेस के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार के अनर्गल आपत्तिजनक बयान जारी करके पूरी पार्टी को अपमानित करने के काम कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, और भारतीय जनता पार्टी का यह जो चरित्र है कोई नया नहीं है। उस वीडियो में उन्होंने जिस मुहावरे का प्रयोग किया है, जिसकी पूंछ का प्रयोग किया है, लगभग भारतीय जनता पार्टी का वही चरित्र है, वो भी कभी सीधी नहीं हो सकती। कोई अपनी विशेष बात बताने के लिए लोकसभा में उनके पास नहीं है, इसे वो दुष्प्रचार कांग्रेस के प्रत्याशियों को कर रहे हैं। अगर वो मजबूत हैं, 400 की बात कर रहे हैं तो अपना प्रचार करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार के भाषा शैली का उपयोग वो कर रहे हैं मैं समझता हूँ अशोभनीय है। और इतने बड़े नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन मैं समझता हूँ उनकी विचारधारा में खोट है। छत्तीसगढ़ की सियासत में भाजपा और कांग्रेस खुद को एक दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए स्तरहीन बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच इसका अच्छा असर नहीं होता। यही वजह है कि कम से कम चुनाव के समय देश की दोनों प्रमुख पार्टियों से यह अपेक्षा होती है कि सियासी बयानबाजी के दौरान लक्ष्मण रेखा पार न करे। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।